Alright, students so let's start our lecture good afternoon to everyone within last lecture we have completed one another TPS that is order processing system now within this lecture we will start with the topic that is 4.4 point3 that is accounting system it is another traditional TPS right we have two TPS that is purchasing system. कि जहां पे हम इन्वेंट्री को परचेस करते हैं या फिर पैकेजिंग मटेरियल को परचेस करते हैं या फिर स्पेयर uh, पार्ट्स को परचेस करते हैं कि जिसका यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट्स को बना सके या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को पैकिंग करने के बाद उसे शिप कर सके राइट right? सो so, ये दैट वाज परचेजिंग सिस्टम के जहाँ पे जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं वो ऑर्डर प्लेस करते हैं टू द सप्लायर दर्चे एंड अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करें तो वहां पर हमने कस्टमर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं हमने वो डिस्कस किया सो so, दोनों चीज में डिफरेंस है अगर हम कस्टमर के ऑर्डर की बात करें Then it is order processing system, के जहां पर कस्टमर हमारे हमारे गुड्स हमारे ऑर्डर प्लेस करते हैं अगर हम परचेजिंग सिस्टम की बात करें तो परचेजिंग सिस्टम में तो हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं टू द सप्लायर राइट हमें परचेजिंग सिस्टम में वो कंसिडर करना है सो so, दोनों सिस्टम में दैट इज दोनों टीपीएस में फ्लो टोटली डिफरेंट है राइट एक्टिविटीज टोटली डिफरेंट है और हमने ये भी देखा कि उसके अंदर जो सब सिस्टम्स थी राइट वो भी टोटली डिफरेंट है सो दैट वाज रिलेटेड टू परचेजिंग टीपीएस और मोर प्रिसाइज परचेजिंग सिस्टम एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम राइट कि जिसके अंदर हमने सप्लायर के साथ एंड कस्टमर के साथ जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसके रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा करना चाहते हैं uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मोर प्रोसाइज प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है सो so वो सब ऑर्गेनाइजेशन में ये जो थ्री

ये तीनों TPS, that is, Transaction Processing system, सारी में nowadays हमें मिलेगी ही Because obviously, हमने ये जो तीनों टीपीएस अकाउंटिंग सिस्टम हम देखने वाले हैं लेकिन फ्रॉम द नेम आपको पता चल ही गया होगा कि हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे राइट सो द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स के अगर हम uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सप्लायर के पास कस्टमर से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एंड वो दोनों में जो भी पेमेंट होता है राइट? Right? वो सारी चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टिविटीज होती ही है राइट सो दैट्स व्हाई आई एम कि ये जो टीपीएस हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज परचेजिंग सिस्टम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम एंड दिस अकाउंटिंग सिस्टम वो मोस्ट ऑफ हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगी ही फिर वो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर हो या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेक्टर हो राइट right? दोनों में ये सारी टीपीएस हमें मिलेगी राइट सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस दैट इज 4.4.3 अकाउंटिंग सिस्टम एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट 4.4.3 अकाउंटिंग सिस्टम ओके वो दोनों टीपीएस के अंदर सब सिस्टम भी सब सिस्टम्स है राइट अकाउंटिंग सिस्टम में अगर हम सब सब सिस्टम की बात करें तो बजेटिंग सिस्टम है अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम है पेरोल सिस्टम है एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है एंड जनरल लेजर सिस्टम है दी आर डिफरेंट सब सिस्टम अकाउंटिंग जैसे हमने दो टीपीएस में देखा इसके अंदर भी हम पहले डायग्राम देखते हैं राइट सो एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे कस्टमर भी इन्वॉल्व होगा एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व होंगे बिकॉज कस्टमर हमें पे करेगा और हम एम्प्लॉइज को पे करेंगे सो so ऑब्वियसली वो दोनों एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी अलॉन्ग जो कस्टमर पे करेगा इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम के हमने कस्टमर के पास से कितना पेमेंट रिसीव हुआ राइट नेक्स्ट इज अकाउंट्स पेएबल सिस्टम अकाउंट्स पेएबल सिस्टम मतलब कंपनी या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी एंटिटीज को जो पे करती है वो फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को जो पे करती है वो उसके रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा इट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट पेबल सिस्टम राइट ऑब्वियसली अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसके लिए भी हम पेमेंट करेंगे सो अकाउंट्स पेएबल सिस्टम में तो उसकी एंट्री आएगी ही बट अलोंग विद दैट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में भी वो पर्टिकुलर एसेट रिलेटेड एंट्री होगी नाउ अकाउंट्स पेएबल सिस्टम हो या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम हो या फिर एम्प्लॉइज के रिलेटेड जो हम पे चैक्स जनरेट करते हैं इन शॉर्ट एम्प्लॉयज के सैलरी रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड इन पेरोल सिस्टम ऑब्वियसली लेकिन अगर हम ये तीनों सिस्टम की बात करें राइट सो फ्रॉम दिस ऑल थ्री सिस्टम्स सारी एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड और मोर प्रिसाइज़ वी कैन वी कैन से दैट सारे ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर सिस्टम राइट फिर वो अकाउंट्स रिसीवेबल रिसीवेबल सिस्टम में से आए या फिर अकाउंट्स पेएबल सिस्टम में से आए या फिर पेरोल सिस्टम में से आए राइट right? ये सारे या फिर मोर प्रोसाइज एसेट मैनेजमेंट में से आए राइट ये सारे जो भी सब uh, सिस्टम है इट इज क्लब्ड इन जनरल लेजर सिस्टम एंड फ्रॉम जनरल लेजर सिस्टम ऑब्वियसली बजेटिंग सिस्टम विल गेट द ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सपेंसेज बिकॉज ऑब्वियसली सारी खुद के स्पेंडिंग रिलेटेड बजट बनाती है ऐसा नहीं है कि वो लोग बंद करके कोई भी डिपार्टमेंट में को कितना भी अमाउंट स्पेंड करने की परमिशन दे दे नो no. सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड जो स्पेंडिंग्स होते हैं उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड सब बजट पहले से रेडी करती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग स्पेंड करते हैं या फिर वो लोग एक्सपेंस करते हैं

कि जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन से जगह पे कितना स्पेंड करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है कि हम आंख बंद करके स्पेंड कर दे राइट वरना ऐसा हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट को हमने ज्यादा एक्सपेंस करने की परमिशन दे दी हमारे पास फंड कम पड़ गया तो दूसरे डिपार्टमेंट को वो फंड देने के लिए हमारे पास उतना फंड कैश ऑन हैंड ऐसा भी कह सकते हैं या फिर हमारे पास उतना फंड नहीं है राइट सो so, स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के सारे ऑर्गेनाइजेशन में बजट एस्टीमेट uh, होता ही है राइट एंड वी कैन से दैट इट इज अ फिनेंशियल प्लान जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टिमेट करेगी कि कितना अमाउंट वो स्पेंड करेगी लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो बजेटिंग सिस्टम है या फिर जो ये बजटिंग की एक्टिविटीज है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है बिकॉज दे आर मैन्युअली डूइंग ऑल दिस थिंग्स राइट वो मैन्युअली सारे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है फिर उसके रिलेटेड प्लान बनाती है फिर वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसे फिर से कॉन्सोलीट करती है सो so, अगर हम मैन्युअली ये सारी चीज करने जाएंगे देन ऑब्वियसली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट मोर प्रिसेज इट विल बी मोर एक्सपेंसिव या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लेकिन अगर हम वही चीज टीपीएस को दे देट इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मोर प्रिसेज बजेट ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कि जहां पर हमें कंप्यूटराइज सिस्टम को कंसिडर करना है तो वहां पर तो सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी राइट बजट ट्रीपीएस होगी वो क्या करेगी जो बजट रिलेटेड डेटा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स डिटरमाइन करेंगे उनके पास से कलेक्ट करेगी उसके बाद जहां जहां जिसको यूजफुल है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर यूजर्स को मिली है वो क्या करेंगे वो उसके ऊपर से प्लान बनाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान बजट प्रिपेयर करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट हो जाएगी Right? मतलब ये जो बजट टीपीएस है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो यूजर को जो डेटा की जरूरत है टू प्रिपेयर बजट उन्हें वो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड आफ्टर दैट का यूज करके यूजर्स ने जो बजट प्रिपेयर किया है वो फिर से बजट टीपीएस के अंदर कंसोलिडेट हो जाएगा इन शॉर्ट यहां पे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है राइट right? सो so, अगर हम ये ऑटोमेटिक बजट प्रोसेस की बात करें तो ऑबवियसली वहां पे फाइनेंशियल मैनेजर्स हम कह सकते हैं या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट कह सकते हैं वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अह uh, फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को मिट करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं ऑबवियसली टारगेट्स बनाते हैं बजेट रिलेटेड टारगेट्स बनाते हैं सेकेंड वो लोग ऐसा करते हैं कि जो भी हम मॉडल बनाएंगे वो कंसिस्टेंट होगा ऐसा नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट में हमने ज्यादा फंड दे दिया दूसरे डिपार्टमेंट में वहां पे स्केसिटी हो जाएगी बाद में फंड की नो no, वो कंसिस्टेंट मॉडल होगा हमारा एंड ऑब्वियसली ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह एक ही जैसा होगा एंड अलोंग विदाल सारे डिपार्टमेंट है उन्हें भी मॉनिटर करेंगे राइट okay, right? हमने इतना बजट रखा है परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए और वहां पे वो लोग ने एक ही महीने में फ्रॉम दैट फिफ्टी परसेंट को स्पेंड कर दिया नो no, ऐसा नहीं हो सकता है वो लोग सारी चीजें मॉनिटर करते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने कितना स्पेंड किया एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो स्पेंडिंग का जो स्टेटस होता है राइट right, वो अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं एंड ऑब्वियसली दे विल विल डिटरमाइन दे ट्राई टू मैनेज के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सारे गोल्स है वो सेटिस्फाई हो राइट एंड डन बाई फिनेशियल एनालिस्ट लेकिन ये कैसे वो लोग कर पाएंगे

उसके रिलेटेड हमें जो अमाउंट मिलेगा राइट right? हमें जो पेमेंट मिलेगा उसके रिलेटेड जो हम ट्रैक रखते हैं इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम अगेन आई रिपीट हमने जो गुड सेल किए हैं हमने जो सर्विस दी है ऑब्वियसली हम फ्री में तो नहीं देंगे हम उसके रिलेटेड चार्जेस लेंगे राइट सो कंपनी जो मनी ओव करती है मतलब कंपनी को जो पेमेंट मिलेगा राइट right? कि जहां पे ऑब्वियसली पेमेंट मिलेगा मतलब कंपनी में वो पैसे आएंगे उसके रिलेटेड जो भी हम ट्रैक रखेंगे ताकि हम हमारी कंपनी का कैश फ्लो मैनेज कर सके दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम ऑब्वियसली हम जो गुड शिप करते हैं कस्टमर को राइट right? सो so, उस वक्त जो कस्टमर की अकाउंट्स पेबल सिस्टम होती है उसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मिलेगा कहा से बिजनेस ट्रांजैक्शन मिलेगा ऑब्वियसली इनवॉइसिंग सिस्टम में से बिजनेस ट्रांजैक्शन मिलेगा लेकिन यहाँ पे ये इनवॉइसिंग सिस्टम किसकी होगी ऑब्वियसली कंपनी की होगी या फिर सप्लायर की होगी हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं राइट सो कस्टमर को जैसे ही हम गुड्स गुड्स जो उसने हमारे पास से परचेज किए हैं, उसे हम शिप कर देंगे सो so तुरंत ही कस्टमर अकाउंट्स सिस्टम को एक ट्रांजैक्शन मिलेगा हमारी इनवॉइसिंग सिस्टम के पास से एंड अलोंग विद हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम होगी उसमें कस्टमर का अकाउंट अपडेट होगा कि हमने कस्टमर को इतने गुड्स शिप किए हैं तो ऑब्वियसली हमें कस्टमर के पास से इतना पेमेंट लेना है सो दीज आर द सिस्टम्स दैट आर इनवॉल्व अगर हम एक कस्टमर को गुड्स शिप करते हैं पहले तो कस्टमर्स की अकाउंट पेबल सिस्टम हमारी इनवॉइसिंग सिस्टम एंड अलोंग विद हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम सो दीज आर सिस्टम की जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ओके okay, अब जो ये पर्टिकुलर अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम की हम बात करते हैं राइट right? वहां पे ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की बात की मोर प्रिसाइज हमने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की बात की राइट right? उसके अंदर क्या होगा ये पर्टिकुलर कस्टमर का कितना बैलेंस ड्यू है वो भी हम कस्टमर को सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अगेन आई रिपीट कस्टमर को खुद के जो परचेजिंग है उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी बट अलॉन्ग विद जो भी हमारे कस्टमर्स है अगर उनका बैलेंस ड्यू है मतलब उनका पेमेंट करना बाकी है तो उसके रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट जनरेट होगा थ्रू अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम वो भी कस्टमर को ऑटोमेटिक हम सेंड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर कस्टमर हमें पेमेंट करता है राइट right? ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वन लैख रुपीज ड्यू है तो मे बी पॉसिबल कस्टमर ने अभी फिफ्टी परसेंट पेमेंट किया है सो so, जितना पेमेंट हमारे पास आया है फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर उतना अमाउंट उनके ड्यू अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा एंड अगेन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उन्हें सेंड कर दिया जाएगा सो दिस इज हाउ कि ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कैसे वर्क करेगी एंड इफ वी कंसिडर द मेजर आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम देन वी कैन से कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मंथली बिल्स हम जनरेट करेंगे वो या फिर हम उसे स्टेटमेंट भी कहेंगे कि जो हम कस्टमर को सेंड करेंगे ताकि कस्टमर को पता चले कि भैया आपका ये इतना अमाउंट ड्यू है आपको इतना पेमेंट करना है राइट सो आउटपुट बिकॉज कस्टमर को भी पता होना चाहिए एंड हमें भी पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर के पास से हमें कितना अमाउंट कलेक्ट करना बाकी है सो so अगर हम ये बिल की बात करें देन ऑब्वियसली बिल्स तो बिल्स का मीनिंग क्या होता है कि जो भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किए हैं उसके रिलेटेड उसके अंदर डिटेल्स होगी राइट right? एंड जो हम स्टेटमेंट की बात करते हैं ऑब्वियसली इट विल बी द दमेशन कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारी चीजें आ जाएगी बट ये जो बिल्स हम कह रहे हैं उसके अंदर ऑब्वियसली अमाउंट जो बाकी है वो तो आएगा ही एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स के फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फिफ्टीन डेज में इतना बाकी था नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में इतना अमाउंट है टोटल भी होगा एंड अलोंग विद दिया है तो वो सारी चीजें वो बिल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दी होगी ताकि कस्टमर को भी सारी चीज क्लियर हो ऐसा नहीं है कि हमें हमें उन्हें अंधेरे में रखना है ऑब्वियसली अगर कस्टमर को पेमेंट करना है तो उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसे कितना पेमेंट करना है So that's why, ये बिल्स का ये का नहीं है कि कितने आइटम कब परचेज की कितनी, इतना ही नहीं लेकिन उसके साथ साथ सारी चीजें हम कस्टमर को कर सकते हैं यही का यूज करके स्टूडेंट्स हम हमारी सेल्स एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं अलोंग विद दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे अगर हम कस्टमर आइटम रिसीव करता है एंड वो जो बिल पे करता है वो दोनों के बीच का टाइम अगर हम रिड्यूस कर पाए देन ऑब्वियसली कैश फ्लो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट इंप्रूव्ड बिकॉज़ अगर हमें पेमेंट आने वाला है फॉर एग्जांपल हमने वन लाख रुपीस की वन लाख रुपीस का गुड्स हमने फर्स्ट डेट को शिप कर दिया था कस्टमर को उसने वो वन लाख रुपीस पेमेंट थर्टी डेट को किया लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम कस्टमर को रिमाइंड करते रहे एंड अगर वही पेमेंट उसने ट्वेंटी डेट को कर दिया इन शॉर्ट वन लैख रुपीज थर्टी डेट को पहले कवर हुए थे उसके बदले में वही वन लैख रुपीज ट्वेंटी डेट को कवर हो गए मीन टेन डेज पहले हमारे पास कैश आ गई मतलब फंड आ गया मनी आ गए सो ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो इम्प्रूव होगा एंड अलोंग विद हम ये भी एंश्योर करेंगे कि जो अच्छे कस्टमर्स है जो लॉयल कस्टमर्स है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स है कि जो टाइम टू टाइम सारे पेमेंट्स कर देते हैं वो हमारे साथ ही रहे राइट right? वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चले ना जाए मीन्स वी कैन से दैट दे विल कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिटेबिलिटी अगर वो कस्टमर हमारे साथ ही अटैच रहेंगे सो so आगे भी वो हमारे पास से परचेस करेंगे एंड अगर वो अच्छे कस्टमर्स है तो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट भी मिल जाएगा राइट सो दीज आर ऑल्सो अनदर टास्क अगर हम अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम यूज करेंगे तो कहाँ पे हमें वो हेल्पफुल रहेगा एंड स्टूडेंट्स हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अब तो सारी चीजें जो भी पेमेंट हैंडल करना है देर आर मेनी डिफरेंट वेज के हम ये पेमेंट को हैंडल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बैंक के चेक होते हैं राइट फिजिकल चेक की अगर हम बात करें तो उससे भी कस्टमर हमें पे कर सकता है क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी पेमेंट हो सकता है अनदर जो मनी वायरिंग सर्विस है दूसरा एक पेमेंट मेथड है राइट right? उसका भी यूज करके कस्टमर uh, पेमेंट uh, कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ईडीआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज उसका भी यूज करके कस्टमर पे कर सकता है एंड ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट है या फिर वी कैन से ऑफ वेज है कि जिसका यूज करके कस्टमर पे कर सकते हैं ऑल दैट काइंड ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पेमेंट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड विद इन दिस अकाउंट रिसिवेबल सिस्टम राइट अनदर थिंग अगर कस्टमर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है देन वो पर्टिकुलर कस्टमर खुद के डिवाइस से कहीं पर भी बैठे बैठे कोई भी टाइम पे पेमेंट कर सकता है लेकिन अगर हम ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं भैया आपको तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे आके फिजिकल चेक ही देना है राइट दैट पेपर चेक ही देना है देन ऑब्वियसली हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कस्टमर को कि भैया आपको यही चीज ऐसे ही पेमेंट करना है तो कस्टमर भी यही सोचेगा कि चलो जब वहां पे जाना होगा तब हम पेमेंट कर देंगे लेकिन अगर हम अपग्रेड होते हैं हमारे सर्विस को भी एडवांस करते हैं बिकॉज़ वी आर लिविंग इन डिजिटल एज तो हमें भी मूव ऑन करना पड़ेगा हमारे कॉमर्स में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर मूव ऑन करना पड़ेगा तो फंड ट्रांसफर से क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के ऊपर भी मूव ऑन कर दे ताकि कस्टमर कहीं पर भी बैठे बैठे सिंपल का यूज करके ऑब्वियसली अब तो सारे डिटरनेट कनेक्शन होता ही है अगर हम ये अकाउंट्स रिसिवेबल सिस्टम की बात करें देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन मैनेजिंग कैश फ्लो ऑफ द फॉर्म राइट नेक्स्ट अगर हम uh, कैश फ्लो कैसे इनक्रीस कर सकते हैं हमने अभी तक डिस्कस किया ओके कि, okay, चलो हमें कैश प्रो इंप्रूव करके देगा कैश फ्लो इंप्रूव करके देगा सो so, कैसे विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम वी विल एबल टू आइडेंटिफाई ओवरड्यूज अकाउंट ओवरड्यूज अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट्स ऐसे कस्टमर्स के जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से पेमेंट नहीं किया है राइट अगर हमें पहले से ऐसे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो देन वी विल एबल टू फॉलो और मोर प्रेसाइज वी कैन से टाइप्स ऑफ कस्टमर्स राइट सो वी कैन से कि ये अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम ऐसे रिपोर्ट्स हमें जनरेट करके दे देगा कि जहां पे वी विल एबल टू आइडेंटिफाई दैट कस्टमर्स की जिनके पास बहुत ओवरड्यू है मतलब हम वहां पे जो स्पेसिफाइड डेज स्पेसिफाई करेंगे दैट इज क्राइटेरिया देंगे फॉर एग्जाम्पल थर्टी डेज या फिर सिक्सटी डेज या फिर 90 डेज हम इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि थर्टी डेज ओवरव्यू वाले कस्टमर्स कितने हैं 60 days overdue वाले customers कितने days overdue वाले customers कितने कितने हैं, हैं, हम जनरेट कर पाएंगे and we will easily able to identify के कौन से कस्टमर के पास से हमें कितना पेमेंट लेना है राइट right? अनदर अगर ऐसे कोई कस्टमर्स हमें मिलते हैं कि जिनका बहुत लंबे टाइम से ओवरड्यू है तो हम उसके ऊपर स्पेशल एक्शंस भी ले सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल हम उनके पास से फंड कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम उनकी क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसे पहले कहेंगे कि उनका खुद का जो पहले का ओवरड्यू है वो पहले पे करो उसके बाद ही हम आपको नई आपका नया ऑर्डर हम एक्सेप्ट करेंगे सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड डिपेंडिंग ऑन द लेटनेस राइट कितना लेट हुआ है पेमेंट में अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं लेकिन ये कब कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि कौन से कस्टमर का कितना बाकी है पेमेंट राइट तो हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एंड दिस ऑल थिंग्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज ऑब्वियसली टू आइडेंटिफाई बैड क्रेडिट रिस्क राइट बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि बहुत सारा अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट है राइट right? उसके अंदर ही टाइप हो जाता है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अगर हमें लॉस को मिनिमाइज करना है अब लॉस क्यों हो सकता है ऑब्वियसली ड्यू टू डेप्स। मतलब अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कस्टमर बेडडेप कस्टमर बनने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं हम पहले से ही उसके पास ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप लेने के बाद हम उसके पास से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रिकवर कर पाए सो so, हमें ये पहले से पता होना चाहिए राइट right? कि ये पर्टिकुलर कस्टमर मे बी पॉसिबल बेडडेप कस्टमर बन सकता है बेड डेप कस्टमर मतलब ऐसा कस्टमर के जो हमें पे नहीं करेगा राइट right? सो so, अगर हमें ऐसे पहले से हम ये ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर देंगे तो हम उसके पास ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप लेने के बाद हम ज्यादा अमाउंट रिकवर कर सकते हैं सो so, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती है स्टूडेंट्स की वो रूटीन चेक करती है अपने खुद के कस्टमर पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर राइट right? अगर कस्टमर टाइम टू टाइम पे नहीं करता है तो बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर हम उसकी पेमेंट की हिस्ट्री को देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि आप पहले अपना पहले का जो ओवरड्यू है वो पे करो एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल एक्सेप्ट योर न्यू ऑर्डर ताकि हम ये जो ओवरड्यू पेमेंट है या फिर जो बेड डेप कस्टमर है या फिर ये बेड क्रेडिट रिस्क है उसमें से हम सेफ रह सके एंड एज वी नो के जैसे जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इम्प्रूव होती जा रही है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है यूज डेटा बेसिस की जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पीपल की इंफॉर्मेशन होती है कि जो जिसका अकाउंट बेड डेप्स कहा गया है या फिर ऐसे पीपल को क्रिमिनल कर दिया गया है कि जो पेमेंट नहीं करते हैं जिनके पास से पेमेंट नहीं आने वाला है सो so अगर हमारी अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम के पास राइट right, हम ऐसे एक्सटर्नल डेटा के साथ अटैच करके उसमें से डेटा को फेच करके हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल का या फिर मोर प्रेसाइज कौन सा फर्म डेप्स डिक्लेयर कर दिया गया है कौन सा इंडिविजुअल एज ए क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है मीन्स अगर पहले से हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है बाय फेचिंग द इंफॉर्मेशन बाय रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज डेटा बेस आर विच राइट तो हम पहले से ही ये सारी चीज आइडेंटिफाई करके उसमें से सेफ रह सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ओवर अगेन वी हैव टू डिटरमाइन कि हम जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं मोर प्रिसाइज हम जो एक्सटर्नल डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो एक्यूरेट डेटा है मीन्स वी मस्ट

लेना पड़ेगा राइट right? नेक्स्ट ये अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम हमें एजिंग रिपोर्ट बना के देता है एंड स्टूडेंट्स इट इज अ वैल्यूएबल रिपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इसके अंदर वो हमें शॉर्टेड ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग डेप या फिर अकॉर्डिंग टू द डेट बिल्स का रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है एंड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज नोन एज एजिंग रिपोर्ट अगर उसके रिलेटेड अगर हम रिपोर्ट जनरेट करें देन इट विल बी नोन एज एजिंग रिपोर्ट राइट अब ये एजिंग रिपोर्ट से कस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को क्या पता चलेगा ऑबियसली अगर मैनेजर के पास ऐसे रिपोर्ट है कि एक ही रिपोर्ट में जितने भी लॉन्ग ओवर ड्यू अकाउंट है वो तुरंत ही एट अ ग्लांस मिल जाए ताकि ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर मैनेजर को वन बाई वन सारे बिल्स चेक करने की जरूरत पड़े नहीं किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वन बाय वन बिल चेक करे उसके बाद कंपेयर करे कि ये कस्टमर में ये कस्टमर ने ये बिल के रिलेटेड कितना पेमेंट किया है? नहीं भैया इतना टाइम किसी के पास आज के जमाने में नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे टास्क होते हैं, राइट सो अगर एट अ ग्लांस एक ही रिपोर्ट पे से ये चीज पता हो जाए देन ऑब्वियसली जैसे मैं अभी तक कहती आ रही हूँ कि हम अच्छी तरह से ऐसे कस्टमर के पास से हम फॉलो uh, अप ले सके एंड अनदर इंपोर्टेंट थिंग हम उसके पास से नए ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे राइट सो दट इज द थिंग एंड अलोंग विद जितने भी अनपेड बिल्स है उनके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है वो हम पहले से डिटरमाइन कर देंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम रेगुलरली उन्हें रिमाइंडर नोटिस भेज सकते हैं एंड ऑब्वियसली ये रिमाइंडर नोटिस हम ऐसा बना सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके कस्टमर को मिल जाए वो भी हमें मैन्युअली जनरेट करने की जरूरत ना पड़े

रिपोर्ट या फिर दीज आर द डिफरेंट फंक्शन सिस्टम राइट सो स्टूडेंट्स ये एक अकाउंट रिसिवेबल सिस्टम के कितने सारे बेनिफिट है राइट right? कि हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जनरेट करके हम बहुत सारी चीज डिटरमाइन कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स ये जो हम रिपोर्ट की बात करते हैं कैन बी प्रोड्यूस कस्टमर बाय कस्टमर बेसिस या फिर हम समरी फॉर्मेट में भी हम ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजर मैनेजर को कस्टमर बाय कस्टमर के बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए या फिर पूरा समरी रिपोर्ट चाहिए राइट सो अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजर कैन जनरेट द रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंट रिसिवेबल सिस्टम so students, that is another subsystem of accounting system. okay. next subsystem is payroll system. obviously, as the name says, pay right? to the employees, salary payment that all things are managed within this payroll system. so, students, there are two primary outputs of this payroll system. first is checks. कि जो हम सैलरी चेक देते हैं वो राइट एंड सेकेंड इज सैलरी चेक जो हम देते हैं वो तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय बैंक में डिपॉजिट करके वो ले लेगा पैसे राइट right? लेकिन उसके साथ साथ हम पे स्लिप भी देंगे दैट इज स्टब्स राइट हम पे स्लिप भी देंगे एम्प्लॉज को कि जिसके ऊपर से एम्प्लॉय को पता चले कि भैया उसका सैलरी कितना है एंड वो सैलरी का टोटल जो हमने दिया है उसमें कौन कौन से हेड्स में हमने कितने uh, पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं राइट दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी आउटपुट एंड सेकेंड प्राइमरी आउटपुट इज अ पेरोल रजिस्टर मीन इन शॉर्ट वी कैंड से रिपोर्ट जितने भी पेरोल ट्रांजेक्शन हमने किए हैं उसका समरी रिपोर्ट अगर हम कंसिडर करें देन दैट इज नोन एज पेरोल राइट सो दी आर दू प्राइमरी आउटपुट ऑफ दिसमे नाउ अगर हम मैनुफेक्चरिंग फर्म की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में मे बी पॉसिबल के वी आर कैल्क्यूलेटिंग द सैलरी अकॉर्डिंग टू द आर्स वर्कड ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ की हम लमसम अमाउंट दे देते हैं नो 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 डाउट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन uh, ऐसी भी होती है कि जहां पे लमसम अमाउंट मिलता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है कि डिपेंडिंग ऑन द द बाय एम्प्लॉय राइट हम उन्हें वेजेस देते हैं सो इट डिपेंड्स लेकिन बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऐसी होती है कि दे विल कैलकुलेट द सैलरी अकॉर्डिंग टू द आर्स वर्क बाय द एम्प्लॉय एंड अकॉर्डिंग टू द रेट पे रेट डिसाइडेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट ये दोनों right, करने के बाद राइट right, वो पेरोल के लिए तो यूज होता ही है बट अलॉन्ग विथ दैट मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट सिस्टम को भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है ताकि मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट सिस्टम के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद we will able to determine के कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफेक्चर करने में हमें कितना कॉस्ट लगा बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट एंड अलोंग विथ दैट हम जो उसके अंदर मशीनरीज और वो सारी चीजें यूज करते हैं उस, उसकी कॉस्ट आएगी नो no. कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एम्प्लॉयज को जो हम पे करते हैं वो भी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड रहती है सो so ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पेरोल सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है सो so क्यों हम फिर से वो आ, हमारे जो भी आ, man, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिस्टम है उसके अंदर हम फिर से इनपुट करवाए नो हम पेरोल सिस्टम में से वही चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड वी कैन गिव इट टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिस्टम सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि हमें यहाँ पे ये पेरोल सिस्टम को क्यों इस हिसाब से भी कंसीडर करना है बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये पेरोल को पेरोल का जो आउटपुट होगा या फिर मोर प्रसाइज वी कैन से कि जो हम लेबर को सैलरी पे करते हैं उसके रिलेटेड भी वो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा राइट right? वो ट्रांजैक्शंस उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे राइट ओके सो अलोंग विथ पे पेक्स ये जो पेरोना पेरोल जर्नल में क्या आएगा एम्प्लॉय का नेम होगा कौन से एरिया में वो वर्क करता है राइट right? वो आएगा वीकली उसने कितना काम किया उसका पे रेट या फिर उसने ओवर टाइम किया है तो उसके रिलेटेड हम उसे एक्स्ट्रा कितना पे करेंगे राइट right? उसका कितना कौन सा डिडक्शन है राइट right? इन शॉर्ट पे चेक जनरेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो डिटेल्ड मैनर में पेरोल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा पेरोल जर्नल के अंदर वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी राइट सो ऐसा नहीं है कि ये जो पेरोल सिस्टम है वो सिर्फ पे चेक जनरेट करती है नो अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली इट विल जनरेट पेरोल जर्नल राइट right, की जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी दिस फाइनेंशियल मैनेजर्स की जो ऑपरेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं मैं स्ट्रेटेजिक लेवल की बात नहीं कर रही हूँ आई एम टॉकिंग ऑपरेशनल लेवल राइट सो ये फाइनेंशियल मैनेजर्स जो ऑपरेशनल लेवल के होते हैं दे विल यूज दिस पेरोल जर्नल किसके लिए ऑब्वियसली हम जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को जो पे कर रहे हैं उसका स्टेटस मॉनिटर करने के लिए एंड अलोंग विद दैट इफ वी वांट टू कंट्रोल द पे देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल बिकॉज पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमने कितना पे किया है राइट right? वो सारे पेमेंट रिलेटेड इन डिटेल सारी इंफॉर्मेशन पेरोल जर्नल में से हमें मिल जाएगी सो so, अगर स्टेटस जानना है या फिर वो कंट्रोल उसे कंट्रोल करना है देन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस पेरोल जर्नल एंड इट इज यूजफुल टू फिनेंशियल मैनेजर्स जो पेरोल टीपीएस होती है राइट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट इन टू वेरियस अदर रिपोर्ट मतलब दूसरे बहुत सारे रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए ये पेरोल टीपीएस यूज होता है अगर वीकली रिपोर्ट जनरेट करना है क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करना है इवन ईयरली रिपोर्ट जनरेट करना है बहुत सारे रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए पेरोल टीपीएस में से ही इनपुट लिया जाता है राइट एंड मोस्ट ऑफ दिस रिपोर्ट ऑब्वियसली इट विल बी यूजफुल टू फिनेंशियल मैनेजर हमने अभी अभी बात की कि ऑपरेशनल लेवल के जो फिनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उन्हें ये चीज यूजफुल होती है दैट इज पेरोल जर्नल अगर हम वो पेरोल जर्नल की बात करते हैं देन इट इज बाय ऑपरेशनल लेवल के जो फिनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो लेकिन अगर हम मैनेजमेंट लेवल के फिनेंशियल की बात करें या फिर स्ट्रेटेजिक लेवल के फिनेंशियल करें तो उन्हें पूरे जर्नल देखने की जरूरत नहीं है दे विल नीड द रिपोर्ट ताकि वो लोग जो भी कॉस्ट है कैश फ्लो है उसे कंट्रोल कर सके एंड अलोंग विद दैट ऑडिट ट्रिल्स भी जनरेट होंगे बाई यूजिंग मास्टर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स राइट right? वो ऑडिट ट्रेल्स भी जनरेट होते हैं ताकि जो हमारे इंटरनल अकाउंटेंट्स होते हैं एंड जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं दे विल एबल टू मेक श्योर कि जो हमारी ये पेरोल सिस्टम है वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है राइट right? अगर आपको याद हो तो व्हाट इज ऑडिट ट्रेल्स वो हमने ऑलरेडी आई थिंक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इश्यूज में डिस्कस किया था एंड वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है एंड एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है राइट right? और हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ऑडिट ट्रिल्स ये जगह पे वर्क करता है या फिर यूजफुल रहता है सो so स्टूडेंट्स जैसे हम दूसरी सारी टीपीएस की बात करते हैं पेरोल टीपीएस भी बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशन के साथ वर्क करती है ऐसा नहीं है कि पेरोल सिस्टम जो है वो सिर्फ खुद के अंदर जो डेटा है उसके साथ ही उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करके रिपोर्ट जनरेट करती है नो ये जो पेरोल सिस्टम है वो दूसरी सारी एप्लीकेशन के साथ भी वर्क कर सकती है एग्जाम्पल अगर हम जनरल लेजर सिस्टम की बात करें तो पेरो जनरल लेजर सिस्टम में भी जाएगी एंड अलॉन्ग विदिविटीज इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक विद प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल ऑपरेशन वो तो हमने ये पेरोल सिस्टम की फर्स्ट ये जो स्लाइड है उसके ऊपर ही हमने डिस्कस कर लिया राइट right? कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है तो वहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिस्टम में भी ये पेरोल सिस्टम की एंट्री होती है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज पेरोल सिस्टम के जिसके अंदर हम पे uh, एम्प्लॉयज को पे करते हैं उसके रिलेटेड ही डाटा मेंटेन करते हैं लेकिन वो जो डाटा है वो हमें बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी यूजफुल रहता है राइट right? ओके okay.

उनकी एक लाइफ होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कंप्यूटर सिस्टम की बात करें राइट कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की एक लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कंप्यूटर परचेज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हमें हमेशा हेल्प यूजफुल रहेगा नो उसकी एक लाइफ होती है एंड अलॉन्ग विद एवरी ईयर उसकी वैल्यू में डेप्रिशिएशन आता है मतलब रिडक्शन आता है ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी में हमने कंप्यूटर परचेज किया जो फिफ्टी थाउजेंड का था सो so, में वो कंप्यूटर उतने उतने अमाउंट का ही रहेगा उतने पैसे का ही रहेगा नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उसको uh, हमने वो कंप्यूटर को यूज किया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है कम हुई है राइट right? सो अकॉर्डिंग टू दैट ये एसेट मैनेजमेंट सिस्टम हमें कोई भी पर्टिकुलर एसेट है उसकी वैल्यू को कितना डेप्रीशिएशन आएगा उसका ऑब्वियसली अगर कोई भी एसेट है उसके अमाउंट में रिडक्शन आता है दैट इज डेप्रीशिएशन आता है राइट right? तो उसकी इफेक्ट टैक्स पे भी पड़ेगी बिकॉज अगर फर्स्ट ईयर हम कोई भी एसेट की बात करें तो वो फिफ्टी थाउजेंड की है सो तो हमने उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा राइट right? दूसरे ईयर में वही पर्टिकुलर एसेट की प्राइस अब हो गई है फोर्टी फाइव थाउजेंड तो हमें उसके ऊपर टैक्स टैक्स पे करना पड़ेगा सो हमारे में भी हमें रिडक्शन मिलेगा और ये एसेट मैनेजमेंट टीपीएस है वो ये कैपिटल इक्विपमेंट्स है एंड उसके जो डेप्रीशिएशन है उसे मैनेज करने में उसे कंट्रोल करने में हमें काम लगता है ताकि हमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स मिले So, अगर हम ये एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें देन द की फीचर्स ऑफ दिस एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इज के उसके पास बहुत सारी ऑफ़ डेप्रीशिएशन मेथड होती है राइट कंट्री स्पेसिफिक टैक्स रिपोर्टिंग भी उसके अंदर होता है राइट एंड ऑब्वियसली हमें पता है स्टूडेंट्स के सारे कंट्रीज के खुद का डेप्रीशिएशन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा बिकॉज स्टूडेंट हमारे यहाँ इंडिया है तो हमारा फिनांशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू थर्टी फर्स्ट मार्च लेकिन फॉरिन कंट्रीज में फर्स्ट जनुरी टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर उस हिसाब से भी वो फिनेंशियल ईयर होता है एंड अलॉन्ग विथ दैट ऑब्वियसली डेप्रिशिएशन मेथड डेप्रिशिएशन रेट डेप्रिशिएशन परसेंटेज अलग होंगे एंड अकॉर्डिंग टू हम जो टैक्स पे करेंगे वो भी डिफरेंट होगा थिंग so हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है और ये किस हिसाब से वर्क करेगा वो सारी चीज हमें ये असेट मैनेजमेंट सिस्टम में से आसानी से मिल जाएगी एंड अलोंग विद जो भी हमारा वर्क फ्लो है वर्क फ्लो रिलेटेड जो प्रोसेस है हम उसे भी इजिली मैनेज कर सकते हैं राइट right? ताकि हम जो एसेट नई परचेज करते हैं उसे हम ऐड कर सके अगर हम कोई एसेट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं या फिर कोई एसेट ऐसी है कि डिप डेप्रीशिएशन हो के हो, होते होते वो पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम ऐसी एसेट्स को रिटायर भी कर सकते हैं राइट सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम फिर हम वो सप्लायर को पे करते हैं वो भी रिकॉर्ड होगा कस्टमर हमें जो पे करता है वो भी रिकॉर्ड होगा हम जो एम्प्लॉय को पे करते हैं वो भी रिकॉर्ड होगा और एसेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन शॉर्ट जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये जनरल लेजर सिस्टम में रिकॉर्ड होंगे राइट एंड इफ दिस जनरल लेजर सिस्टम इज अ अंप्यूटराइज सिस्टम देन ऑब्वियसली हमें हम उसके अंदर सारी चीज ऑटोमेटिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट जनरेट करने हैं डेटा एंट्री करनी है सो so वो सारी चीज ऑटोमेट हम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पेरोल सिस्टम में तो ऑलरेडी एम्प्लॉय के पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो क्यों हम फिर से जनरल लेजर सिस्टम में एंटर करें पेरोल सिस्टम में से ही वो डेटा ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने सप्लायर को पे किया है तो वो सिस्टम में होगा तो क्यों हम फिर से उसे यू, uh, मतलब एंटर करें हम अकाउंट्स सिस्टम में से उसकी एंट्री ले सकते हैं लाइकवाइज अगर कस्टमर ने हमें पेमेंट किया है तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम में है तो क्यों हम फिर से जनरल लेजर सिस्टम में उसकी एंट्री करें हम वही चीज वही ट्रांजैक्शन की एंट्री हम अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम में भी में से भी ले सकते हैं उ स्टूडेंट्स की अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करें ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीज हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं राइट एंड जनरल लेजर सिस्टम है इट विज डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली आपको पता है कि लेजर क्या है राइट right? सो so ये लेजर पे से पूरा ही डिटेल लिस्ट हमें मिल सकता है ऑफ अवर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अलॉन्ग विद बहुत सारे रिपोर्ट भी इसके ऊपर से जनरेट होते हैं फॉर एग्जाम्पल पी एन एल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट है राइट जनरल लेजर स्टेटमेंट है बहुत सारे रिपोर्ट भी हम उसके ऊपर से जनरेट कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद डैट अगर हम हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करें राइट देनाइज दो हिस्टोरिकल डेटा वी विल एबल टू जनरेट रिपोर्ट फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल डेटा ताकि हमें पता चले कि कौन से अकाउंट का क्या स्टेटस है रिलेटेड टू अवर ऑर्गेनाइजेशन राइट सो दीस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल लेजर सिस्टम अलॉन्ग विद अगर हमें जनरेट uh, करना है फॉर पर्टिकुलर पीरियड या फिर फॉर पर्टिकुलर इयर या फिर फॉर पर्टिकुलर डेट के इनकम एक्सपेंस अकाउंट कौन कौन से है और क्या है उसका स्टेटस क्या है देट इज ऑल्सो पॉसिबल विदेल्प ऑफ दिस जनरल लेजर सिस्टम राइट हमें पता चल जाएगा कि हमारी इनकम कितनी है कितना एक्सपेंस है राइट एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज स्टूडेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमें कैश चाहिए एंड वी हैव टू द कैश फ्लो ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू कंट्रोल कैश फ्लो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें कहते कैसे पता चलेगी अगर हमें पता हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंस का स्टेटस क्या है एंड अलॉन्ग विदोर्ट जनरेट करेंगे तो फिनेंशियल मैनेजर को पता चलेगा देबर टू मॉनिटर द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट तभी हमें मिलेगा कि जब हम हमारी इनकम बढ़ाए और एक्सपेंस कम करे राइट एंड जो भी हम फिनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करते हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया भी हम फिनाशियल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम कस्टमर वाइज समरी सेल्स का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर जो इन्वेंट्री आइटम्स होती है उसका भी समरी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना कैश इन्वेंट्री में टाइप अभी तक है सो स्टूडेंट्स देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दैट कैन बी जनरेटेड विद्प ऑफ दिस जनरल लेजर सिस्टम ताकि वो डिफरेंट फिनेंशियल मैनेजर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वो जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है उन्हें हेल्पफुल रहे राइट right? अगर हम मार्केटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजर्स की बात करें तो उन्हें क्या डिटरमाइन करना होता है ऑब्वियसली हैव टू डिटन के कौन से कस्टमर्स कितना परचेस करते हैं हमारे पास इन शॉर्ट हमने कौन से कस्टमर को कितना सेलिंग किया है ताकि हम उसके ऊपर से डिटरमाइन करें कि हमें कौन से कस्टमर्स को हमारी कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत है मार्केटिंग करने की जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है सो इट डिपेंड्स कि कौन सा डिपार्टमेंट है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट डिफरेंट वेज में वर्क करते हैं राइट ओके नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम ये जो जनरल लेजर सिस्टम है उसकी बात करें देन टू प्रॉपर रेकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज चार्ट ऑफ अकाउंट राइट के उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि कौन से अकाउंट का क्या स्टेटस है राइट सो देट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मोर प्रिसाइस रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन राइट सो स्टूडेंट्स इस हिसाब से ये जो जनरल लेजर सिस्टम है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट मैनेजर्स को डिफरेंट वे से हेल्पफुल रहेगी राइट एंड दिस वाज़ द लास्ट सब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक फोर पॉइंट फोर पॉइंट थ्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड अलोंग विद इट इज ऑल्सो द एंड ऑफ यूनिट फोर ऑफ अवर सिलेबस राइट So, यहाँ पे यूनिट नंबर फोर कंप्लीट होता है सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो